बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो व्हाट इज़ साइंटिफिक नोटेशन, यानी साइंटिफिक नोटेशन के बारे में है। और फर्दर वो ये कह रहे हैं कि राइट इट्स एडवांटेजेस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, यानी साइंटिफिक नोटेशन क्या है और इसके एडवांटेजेस लिखें विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। जैसे कि मैंने इस चैप्टर के स्टार्ट में आपको बताया था कि इस चैप्टर में सिर्फ एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका बन सकता है, वो एंड ऑफ चैप्टर पे जाकर आएगा, उसको वहाँ पर जाकर डिस्कस करेंगे। बाकी सारे इस चैप्टर में जो हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं वो एमसीक्यू में आ सकते हैं और आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो अगेन ये वाला टॉपिक भी आपका एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है। इसकी डेफिनेशन वगैरह करने से पहले मैं थोड़ा डिफरेंट वे से इसको स्टार्ट करवाता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैट्रिक में हम साइंटिफिक नोटेशन से फेमिलियर हैं। फिर हम इस तरफ आ जाएंगे एग्जाम्पल कर लेने के बाद कि आप लोगों ने बोर्ड में इसको लिखना कैसे है अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एग्जांपल से स्टार्ट लेते हैं। देखिए, सपोज करें ये टू नंबर्स हैं, 123.4 और एक ये नीचे नंबर लिखा हुआ है। आपका बोर्ड में एमसीक्यू ये आ गया है कि इन नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, यानी इन नंबर को आप लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का मतलब क्या होता है? मैंने लिखा है राइटिंग नंबर्स इन पावर ऑफ 10। तो अगर वो कहते हैं कि इन नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का मतलब ये होता है कि आप लोगों ने इन नंबर्स को लिखना है किस में? पावर ऑफ 10 में, यानी पावर ऑफ 10 भी कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। यानी पावर ऑफ 10 में लिखें या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, इस चीज़ को हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। तो थोड़ी सी हमें बात समझ आई अभी कि साइंटिफिक नोटेशन कोई स्टैंडर्ड फॉर्म है, और ऐसी स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें हम नंबर्स को पावर ऑफ किस में लिखते हैं? 10 में लिख रहे होते हैं। तब आप लोगों ने इन दोनों नंबर्स को पावर ऑफ 10 में लेकर आना है। ठीक होगी बात? एक बात माइंड में रखनी है कि पावर ऑफ 10 में लेकर आना है, और कैसे पावर ऑफ 10 में लेकर आना है ये रूल याद रखना है। देर शुड बी ओनली वन नॉन जीरो डिजिट एट द लेफ्ट ऑफ डेसिमल, यानी एक पावर ऑफ 10 में लेकर आना। बात माइंड में रखें अभी तक आप, बस छोटे ये साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, बस इतना भी सोचें कि पावर ऑफ 10 में लिखना है। और साथ में रूल क्या है पावर ऑफ 10 में लिखने का? देर शुड बी ओनली वन नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो मीन जीरो के अलावा, एट द लेफ्ट ऑफ डेसिमल। देखिए, ये आपके पास लेफ्ट साइड है और उसने क्वेश्चन में कह रहा है कि आपका डेसिमल पॉइंट इस जगह पर होना चाहिए। ये उसने लिखा है ना कि देर शुड बी ओनली वन नॉन जीरो डिजिट एट द लेफ्ट ऑफ डेसिमल। देखिए, आपके पास ये लेफ्ट साइड है, आपको डेसिमल पॉइंट को यहाँ पर शिफ्ट करना है, और आपका डेसिमल पॉइंट इस जगह पर है ना। वो कहते हैं डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे सिर्फ वन नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे कितने नॉन ज़ीरो डिजिट? तो वन। इस वक्त डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे 1, 2, 3 नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं। आपको कितना चाहिए? 1 नॉन ज़ीरो डिजिट चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों ने अपने डेसिमल पॉइंट को यहाँ से उठाकर यहाँ पर लेकर आना है, तो साइंटिफिक नोटेशन बनेगी। ठीक होगी बात? इस डायग्राम पे आ जाइए, उसमें समझ आ गया कि डेसिमल पॉइंट को यहाँ पर लेकर आना है, क्योंकि रूल ये कह रहा है कि देर शुड बी ओनली वन नॉन ज़ीरो डिजिट एट द लेफ्ट ऑफ डेसिमल, और जहाँ पर डेसिमल पॉइंट है उसके लेफ्ट साइड पे 3 नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, आपको उसको 1 नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेकर आना है। एक बात आपको समझ आ गई। नीचे आते हैं, इसको देखें, इसके लेफ्ट साइड पे तो एक ही डिजिट आ रहा है, लेकिन वो तो ज़ीरो आ रहा है। आपको डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे 1 नॉन ज़ीरो डिजिट चाहिए। यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे ज़ीरो लिखा हुआ है, जो कि हमारे काम का नहीं है, हमें नॉन ज़ीरो डिजिट चाहिए। उसके लिए आप लोगों ने इस पॉइंट को यहाँ पर लेकर जाना है। देखें, जब इस जगह पर लेकर जाऊँगा डेसिमल पॉइंट को, तब लेफ्ट साइड पे देखें ये 3 तो ज़ीरो आ रहे हैं, तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तो सिर्फ 1 ही आएगा ना, यानी यहाँ पर सिर्फ एक ही नॉन ज़ीरो डिजिट आ रहा होगा, बाकी ये तीनों तो क्या आ रहे हैं? ज़ीरो आ रहे हैं। तो यहाँ से ये प्रूव हुआ कि जब हम किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने लगेंगे, तो हमें डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करना पड़ेगा। और डेसिमल पॉइंट की शिफ्टिंग अगर आप देखें तो दो तरह की है, एक पॉजिटिव साइड पर है और एक नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। समझाने के लिए मैंने एक्सिस का लफ्ज यूज़ कर लिया ना, तो दो तरह से शिफ्ट हो सकता है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी पावर ऑफ 10 में लाने के लिए डेसिमल पॉइंट वाली वो प्रॉपर्टी पूरी करनी है कि देर शुड बी ओनली वन नॉन ज़ीरो डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल। तो लेफ्ट ऑफ डेसिमल पर इधर 3 नॉन ज़ीरो डिजिट से इसको इधर लाना पड़ा है, मतलब इस डिजिट को आपको डेसिमल पॉइंट को मूव करवाना पड़ा है नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। और इसको उस फॉर्म में लाने के लिए, कौन सी फॉर्म? लेफ्ट साइड पे 1 नॉन ज़ीरो डिजिट हो, उस फॉर्म में लाने के लिए डेसिमल पॉइंट को आपको शिफ्ट करना पड़ा है किस तरफ? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो डेसिमल पॉइंट दो तरफ शिफ्ट हो रहा है,
एक नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ भी शिफ्ट हो रहा है और एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ भी शिफ्ट हो रहा है, एक बात होगी। अब जब डेसिमल पॉइंट शिफ्ट होता है तो उस केस में हम पावर ऑफ 10 लेते हैं, यानी डेसिमल पॉइंट जब जब हम शिफ्ट किया करेंगे, शिफ्ट मीन उसको मूव करवाया करेंगे। मूव क्यों करवा रहे हैं, मजबूरी क्या है, वो रूल की मजबूरी है कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आप लोगों ने उसको लगाना है, जो रूल आपको अभी बताया है। तो डेसिमल पॉइंट को आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ भी शिफ्ट करवाएंगे, नेगेटिव की तरफ भी। अगर हम डेसिमल पॉइंट को पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ शिफ्ट करवाएंगे तो जितने डिजिट आप लोगों ने इसको मूव करवाया होगा ना, यानी जितने डिजिट्स आप लोगों ने इसको मूव करवाया होगा उस रिक्वायरमेंट को अचीव करने के लिए, यानी इधर आप लोगों ने कितने डिजिट मूव करवाया, 1, 2, इधर आप लोगों ने 1, 2, 3 डिजिट्स मूव करवाया है वो रिक्वायरमेंट अचीव करने के लिए। तो अगर आपकी मूवमेंट टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगी तो जितनी भी डिजिट मूव करवाएंगे उतनी 10 की पावर नेगेटिव में लिखेंगे, यानी पॉजिटिव साइड में मूव करवाएं तो 10 की पावर को नेगेटिव में लिखेंगे। और अगर वो रिक्वायरमेंट ये वाली अचीव करने के लिए हम उसको नेगेटिव साइड में मूव करवाएंगे तो फिर आप लोगों ने 10 की पावर को पॉजिटिव में लिखना है। अगर बच्चों बात भूल जाए तो आप यूँ याद करो, अगर पॉजिटिव की तरफ मूव करवाएं तो 10 की पावर नेगेटिव, और अगर नेगेटिव की तरफ मूव करवाएं तो 10 की पावर पॉजिटिव। तो अगर कभी माइंड से निकल जाए तो आप इस तरह अपोजिट याद रख सकते हैं, पॉजिटिव की पावर नेगेटिव, नेगेटिव की तरफ पावर पॉजिटिव। 5 दफ़ा इसको बोलें, देखिएगा यूँ याद हो जाएगा सेकंड में। बोलें शाबाश, इसको बोल लिए, अब इधर आ जाओ जी। आपको ये समझ आ गया कि ये रूल लिखा हुआ है, इस रूल के अकॉर्डिंग डेसिमल पॉइंट को इस जगह पर होना चाहिए। उठा के ले आए इसको, 1.234 उठा के लेकर तो आ गए हैं। अब मसला ये है कि आप लोगों ने पावर ऑफ 10 लिखनी है, पावर ऑफ 10 पॉजिटिव लिखनी है या नेगेटिव। आप किस तरह मूव करके गए हैं, नेगेटिव साइड पे मूव करके गए हैं, जितने डिजिट्स नेगेटिव साइड पे गए हैं उतनी 10 की पावर पॉजिटिव लिखनी है। तो कितने डिजिट्स गए हैं, 1, 2, तो यहाँ पर 10 की पावर बचो +2 आप लोगों ने लिख से नहीं है। तो ये नंबर अब अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन में आ गए। दोबारा देखें इस चीज़ को, इस केस में इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए आपको डेसिमल पॉइंट को किधर शिफ्ट करना पड़ रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं। मैं इस जगह पॉइंट को ले जाता हूँ 1.234, इसी जगह पर क्यों लगाया है 234, इसी जगह पर पॉइंट क्यों लगाया है वो आपको ऑलरेडी मैं रूल समझा चुका हूँ, रिक्वायरमेंट है। अब आप लोगों ने 10 की पावर की बारी है, अब 10 की पावर कितने डिजिट शिफ्ट किए, 1, 2, 3। जब डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करते हैं तो अगर दरमियान में जीरो भी आ रहे हो ना तो उनको भी काउंट करना होता है आप लोगों ने, ठीक है ना। तो 1, 2, 3 डिजिट्स मूव किए। अब मसला ये कि 10 की पावर पॉजिटिव लिखें या नेगेटिव, तो देखिए किस तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव साइड पे जा रहे हैं तो 10 की पावर नेगेटिव लिखेंगे तो 10 की पावर -3 आ जाएगी। तो ये बच्चों दोनों नंबर्स, ये वाला नंबर भी और ये वाला नंबर भी, अब मैंने साइंटिफिक नोटेशन में लिख सी हैं। अब अगर आपको साइंटिफिक नोटेशन में कोई नंबर लिखना आ गया है तो अब आपको ये टॉपिक बहुत ईजिली समझ आ जाएगा। तो बोर्ड में जो MCQ आने के चांसेस होते हैं, आपको इस तरह के नंबर गिवन होंगे, आप लोगों ने उन नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होगा। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए दो तरफ डेसिमल पॉइंट की मूवमेंट होगी, या पॉजिटिव की तरफ या नेगेटिव की तरफ। रूल बता दिया, अगर भूल भी जाए तो आप याद रख सकते हैं। डेसिमल पॉइंट को क्यों मूव करवाना है वो ये रूल लिखा हुआ है, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में कहते हैं कि देर शुड बी ओनली 1 नॉन जीरो डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल। तो देखिए ये साइंटिफिक नोटेशन में है, तो लेफ्ट ऑफ डेसिमल की साइड पर एक ही नॉन जीरो डिजिट है, इधर भी लेफ्ट ऑफ डेसिमल साइड पे 1 नॉन जीरो डिजिट है। और दूसरा देख लें, इसमें पावर ऑफ 10 भी आ रही है, इसमें भी पावर ऑफ क्या आ रही है, 10 आ रही है। अब हम साथ साथ जो बुक हमारी में लिखा हुआ है उसको समझने की कोशिश करते हैं। दोबारा डेफिनेशन पढ़ता हूँ, राइटिंग नंबर इन पावर ऑफ 10। तो देखिए मैंने इस नंबर को भी और इस नंबर को भी पावर ऑफ किस में लिखा है, 10 में लिखा है। और पावर ऑफ 10 में लिखने को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं, दिस इज नेम्ड एज साइंटिफिक नोटेशन। तो देखिए इन नंबर्स को हम लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन में लिख दी है। डेफिनेशन में तो खाली इतना लिखा हुआ है पावर ऑफ 10 होनी चाहिए, लेकिन पावर ऑफ 10 के साथ फर्दर कंडीशन क्या है वो ये लिखी हुई है कि देर शुड बी ओनली 1 नॉन जीरो डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल, वो पॉइंट भी पूरा हो गया। अब देखें इसमें जो ये नंबर लिखा हुआ है ना साइंटिफिक नोटेशन में, ये जो नंबर लिखा हुआ है आपकी बुक में, इस नंबर को बोल रहा है मेंटीसा, यानी ये जो नंबर लिखा हुआ है इस साइड पे और इस साइड पे, आपकी बुक में इस नंबर को वो किसका नाम दे रहा है, मेंटीसा का नाम दे रहा है। और आपकी बुक में इसने लिखा है मेंटीसा जो होगा वो ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 10 होगा। तो देखिए इन दोनों में जो मेंटीसा है वो ग्रेटर देन 1 भी है और लेस देन 10 भी है। तो ये जो नंबर बच्चों लिखा हुआ है, इस नंबर को वो किसका नाम दे रहा है,
मेंटिसा का नाम दे रहा है, और मेंटिसा आपको पता होना चाहिए ग्रेटर देन वन और लेस देन टेन ही होगा। मैंने इसी को सिंबल में ऊपर लिख दिया, एम मैंने इसको लिख दिया, नंबर तो कोई ये वाला नंबर है ना, ठीक है ना। और उसके साथ जो आगे डिजिट लिखा हुआ है उसको हम मेंटिसा बोल रहे हैं, इधर वर्डिंग में लिखा हुआ है उधर मैंने सिंबल में लिख दिया। मेंटिसा के बाद, मेंटिसा आपको समझ आ गया, वन से लेकर नाइन तक होगा। उसके बाद आप लोगों ने पावर ऑफ टेन लिखनी है। अब पावर ऑफ टेन मुझे बताओ पॉजिटिव होगी नेगेटिव, तो देखिए यहाँ पर पावर ऑफ टेन पॉजिटिव है और यहाँ पर पावर ऑफ टेन नेगेटिव होती है, मतलब टेन की जो पावर लिखनी है वो पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी। इस पी को पावर भी बोलते हैं, इसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं। तो मैंने दोनों तरह से लिख दी, एम एक्सपोनेंट मल्टीप्लीकेशन पावर ऑफ टेन होगी, और प्लस माइनस को हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं, पावर भी बोलते हैं। और इस एग्जाम्पल से बात क्लियर हो रही है कि पावर पॉजिटिव भी हो सकती है और पावर नेगेटिव भी हो सकती है। बच्चों हम लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन में किसी चीज़ को लिखना तो सीख लिया हुआ है, जो कि इसका मेन पार्ट है। अब इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं, क्योंकि बुक में अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है ना आपका, तो आपको ये आएगा कि व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन एंड राइट इट्स एडवांटेजेस। तो जो मैंने डेफिनेशन लिखी थी वो डेफिनेशन लिखेंगे, जो उसका फार्मूला मैंने लिखा था, दोनों में से कोई एक फार्मूला आप लिख सकते हैं। दोनों में से जो नीचे वाला था वो बुक में लिखा हुआ है, नीचे वाला लिखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, ज़्यादा बेहतर है। और उसके बाद आप रूल लिखेंगे, तीन बातें होगी, फार्मूला, रूल नीचे जो लिखा हुआ था, रूल बुक में नहीं है लेकिन रूल नहीं लिखेंगे तो फिर क्वेश्चन कंप्लीट ही नहीं होगा ना, और प्लस आप लोगों ने डेफिनेशन लिख देनी है। ये तीन बातें होगी, उसके बाद अब आप लोगों ने आ जाना इस शॉर्ट क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की तरफ। पहला पार्ट क्या था, व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन, वो बता दिया, डिफाइन फार्मूला और लिखने का रूल। एक आधा नंबर एग्जांपल में लिख सें तब भी ठीक है, ना लिखें तब भी ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा इस क्वेश्चन का पार्ट है कि राइट इट्स एडवांटेजेस, एडवांटेज क्या है। देखिए पहला एडवांटेज जो बुक में लिखा है मैंने लिखा है, उसके बाद इसको समझने की कोशिश भी करते हैं। पहले पढ़ लेते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है। बुक में लिखा हुआ है पहला एडवांटेज, साइंटिफिक नोटेशन इज एन ईजी वे ऑफ राइटिंग नंबर्स दैट आर टू बिग आर टू स्मॉल। यानी अगर कोई नंबर बहुत बड़ा हो या नंबर बहुत स्मॉल हो, तो दोनों केस में साइंटिफिक नोटेशन में हेल्प करती है उन नंबर्स को ईजिली अंडरस्टैंडेबल बनाने में ना। आप एक चीज़ नोट करें, ये नंबर ऑफ एटम्स इन ह्यूमन बॉडी लिखे हुए हैं, देख लें यहाँ तो ज़ीरो की दो दर्जनों से भी ज़्यादा मुझे तो लग रहे हैं, यानी इतने ज़्यादा ज़ीरो लिखे हुए हैं। अब अगर हम इस नंबर को इस तरह रीड करते हैं, तो मुझे ये बताएं कि इस नंबर को इस तरह रीड करना, एक तो आप लोगों के लिए टाइम कंज्यूमिंग है, तो इस नंबर को अगर हम रीड करेंगे तो ये हमारे लिए टाइम कंज्यूमिंग है ना। टाइम कंज्यूमिंग यह है कि आपको नंबर ऑफ ज़ीरो काउंट करने पड़ेंगे, फिर उनको 10, 100, lakhs, 10 lakhs के अकॉर्डिंग स्केल डिज़ाइन करना पड़ेगी, तब हमें समझ आएगा कि ये नंबर क्या लिखा हुआ है। दूसरा ये ना कि इसको एक तो टाइम कंज्यूमिंग है इस तरह के नंबर को रीड करना, दूसरा ये डिफ़िकल्ट भी तो है ना, डिफ़िकल्ट है ना इतने बड़े नंबर को रीड करना, जिस तरह मैंने बताया ना आप लोगों ने स्केल बनाकर लानी होगी, तो डिफ़िकल्ट भी काफ़ी ज़्यादा है। और अगर आप इतने ज़्यादा ज़ीरो को काउंट कर रहे हैं या इतने ज़्यादा नंबर्स को काउंट कर रहे हैं, तो हो सकता है एक ज़ीरो आप कम या ज़्यादा कर दें या दो ज़ीरो कम या ज़्यादा कर दें, तो इससे उस नंबर को जब आप रीड कर रहे होंगे तो उससे चांस ऑफ एरर भी काफ़ी होगा। तो मैंने बच्चों तीन बातें लिखी हैं कि अगर इस तरह को नंबर लिखा हो, इस नंबर को रीड करना टाइम कंज्यूमिंग भी है, डिफ़िकल्ट भी है, और इसमें चांस ऑफ एरर भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं अगर हम इस फॉर्म में नंबर को रीड करें। तो कहते हैं इसका बेहतर सलूशन ये है, फिर आप इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं वो हम सीख चुके हैं। इसमें देखिए अगर डेसिमल पॉइंट की पोजीशन नहीं मार्क तो यहाँ पर होगी, तो आपको डेसिमल पॉइंट को यहाँ पर शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि डेसिमल पॉइंट को कहाँ पर शिफ्ट करना होता है, आफ्टर जो फर्स्ट नॉन, ये है ना आप लोगों का डेसिमल पॉइंट। अगर हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे कितने नॉन ज़ीरो डिजिट होने चाहिए, वन नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। तो डेसिमल पॉइंट को इस जगह शिफ्ट करना है ताकि वो रूल ओबे हो कि उसके लेफ्ट साइड पे सिर्फ वन नॉन ज़ीरो डिजिट हो। इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में डेसिमल पॉइंट को आपको इस जगह पर शिफ्ट करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ आप लोग डेसिमल पॉइंट को किस तरफ शिफ्ट कर रहे हो, नेगेटिव साइड पे, तो जितने डिजिट शिफ्ट करोगे तो 10 की पावर उतनी क्या आएगी, पॉजिटिव आप लोगों की आएगी, 10 की पावर पॉजिटिव आएगी। और मैंने बताया था डेसिमल पॉइंट जब शिफ्ट करते हैं तो ज़ीरो को भी काउंट करते हैं और नॉन ज़ीरो को भी काउंट करते हैं, तो इनको ज़रा देखिए कितने ज़ीरो आते हैं, 3, 3, 6 एंड काउंट करते हैं तो ये टोटल आप लोगों के 27 ज़ीरो बन रहे हैं। इनको आप काउंट करें ना, 3, 3 करके काउंट कर लें तो टोटल 27 ज़ीरो बन रहे हैं। तो आप लोगों ने 7 के बाद पॉइंट क्यों लगाया है, साइंटिफिक नोटेशन डिमांड ये करती है। 10 की पावर में 27 क्यों लिखा है, क्योंकि ये नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने बन रहे हैं, 27 बन रहे हैं।
अब इसको प्लस 27 क्यों लिखा है, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग अगर आप नेगेटिव साइड पे जा रहे हैं तो 10 की पावर को पॉजिटिव लिखेंगे। तो देख लें ये वाला नंबर अब आपका जो लिखा हुआ है ये प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन के अंदर ही लिखा हुआ है और डेसिमल पॉइंट को आप लोगों ने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। इसके साथ आप 7.0 भी लिख सकते हैं, तो 7.0 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगी, 27 आप लोगों की बन गई। अब इसमें ये जो नंबर आप लोगों ने लिखा हुआ है इस नंबर को हम बोलते हैं मेंटीसा, ये मेंटीसा है और ये जो चीज़ लिखी है इसे हम एक्सपोनेंट कहते हैं या इसको पावर का नाम देंगे। एक्सपोनेंट भी इसको कहते हैं और पावर को भी कहते हैं। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर आपका जो मेंटीसा है वो 7 है और जो एक्सपोनेंट है वो आपका 27 की इक्वल एक्सपोनेंट आ रहा है। इसी नंबर को बच्चे अगर आप 7.0 लिखते हैं तब भी ठीक है, अगर अब ये पॉइंट के बाद अगर एक ही ज़ीरो हो तो यूजली हम ये चीज़ फिर शो नहीं करते, जिसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 7 × 10^27 हो जाएगा। तो पॉइंट के बाद अगर जस्ट 10 बच रहा हो तो यूजली ये पॉइंट और ज़ीरो हम शो नहीं करते, तो इसी की फाइनल फॉर्म जो बनेगी वो 7 × 10^27 होगी। तो अब ज़रा देखिए ये नंबर हमारे लिए एज सच रीडेबल नहीं था। अब अगर हमसे पूछता कि नंबर ऑफ एटम्स इन ह्यूमन बॉडी कितने हैं, अगर हमने यहाँ से रीड करने होते तो ये सारे प्रॉब्लम हम फेस करते, लेकिन अगर हम उसी को साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं तो अब ये जो नंबर है हमारे लिए बहुत ईजिली रीडेबल है, टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, इसको रीड करना डिफ़िकल्ट भी नहीं है और इसमें एज सच कोई चांस ऑफ एरर का भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। जो भी हम लोगों ने एक एडवांटेज पढ़ा है कि अगर बहुत बड़े बड़े नंबर्स हों उनको जब आप रीड करते हैं टाइम कंज्यूमिंग है, डिफ़िकल्ट है और उनको रीड करने में का एरर भी आ सकता है, उसका सोल्यूशन ये है कि अभी हमने देखा उस नंबर को जैसे ही हम लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा तो वो नंबर हमारे लिए रीडेबल था। अब दूसरा जिसका एडवांटेज हम पढ़ने लगे हैं कि अगर हम साइंटिफिक नोटेशन के अंदर सारी चीज़ों को लिख लें, यानी सारे नंबर्स जो हैं अगर आपका साइंटिफिक नोटेशन में हो तो उन नंबर्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है वो भी बाकी नंबर से बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है। तो ये उसने बुक में सेकंड एडवांटेज में लिखा हुआ है। मैंने बुक की लाइन आपके लिए लिखी हैं, एक दफ़ा इसको रीड कर लेते हैं। तो लिखा हुआ है अनदर एडवांटेज ऑफ साइंटिफिक नोटेशन इज़ दैट इट मेक्स ईजी, यानी एडवांटेज ये कि इससे ईजी हो जाती है क्या चीज़, ऐड करना नंबर्स को, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना एंड डिवाइड करना। मतलब अगर नंबर साइंटिफिक नोटेशन में सारे लिखे हुए हों तो उनको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना काफ़ी ईजी हो जाता है। फिर उसने थोड़ा सा बताया हुआ है कि नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है। उसके लिए उसने लिखा है कि टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन, अगर दो नंबर साइंटिफिक नोटेशन में लिखे हुए हैं दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, उन दोनों नंबर्स के मेंटीसा को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी दोनों नंबर्स के मेंटीसा आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, वी मल्टीप्लाई देयर मेंटीसा, यानी मेंटीसा जो होंगे वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन दोनों नंबर अगर साइंटिफिक नोटेशन में हैं तो दोनों में पावर ऑफ 10 भी होंगी, मेंटीसा मल्टीप्लाई होंगे लेकिन पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाई नहीं होंगी, बल्कि दोनों की पावर ऑफ 10 आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो बस ये लिखा है कि एंड देयर एक्सपोनेंट्स एंड ऐड देयर एक्सपोनेंट्स, और हम उनके जो एक्सपोनेंट्स होंगे उनको आप लोगों ने आपस में क्या कर देना है, ऐड कर देना है, यानी दो नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनके मेंटीसा आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन उनकी पावर्स को आप लोगों ने आपस में क्या करना है, ऐड करना है। ये बस सिंपल सा रूल है, इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं तो फिर आपको ये रूल ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। उसने बुक में एक एग्जांपल ये दी है, कहता है कि इफ़ यू वांट टू एस्टिमेट एज हाउ मेनी एटम्स आर कंटेन्ड इन ऑल बॉडीज ऑफ ऑल द पीपल ऑन अर्थ, ये उसका क्वेश्चन है कि अगर हम ये चाहें कि पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उनकी बॉडी के अंदर नंबर ऑफ एटम्स टोटल कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे कैलकुलेट कर सकेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये पढ़ा था कि नंबर ऑफ एटम्स इन वन बॉडी, यानी एक ह्यूमन बॉडी के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो 7 × 10^27 थे, यानी एक ह्यूमन बॉडी के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो 7 × 10^27 है। अब वो एक बॉडी की नहीं पूछ रहा, वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने एस्टिमेट करने हैं इन ऑल बॉडीज कि जितने भी दुनिया के ऊपर लोग हैं उन सब की बॉडी के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। तो उसके लिए पहली बात तो ये है कि हमें नंबर ऑफ पीपल आइडिया होना चाहिए। तो ये उसने बुक में बताया कि जो पॉपुलेशन ऑफ अर्थ है ना वो अराउंड 7 × 10^9 है, यानी टोटल पॉपुलेशन ऑफ अर्थ जो है ये तकरीबन 7 बिलियन बनती है। तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ अर्थ जो है वो 7 × 10^9 है। अब वो ये चाह रहा है कि वो इस टोटल पॉपुलेशन के अंदर नंबर ऑफ एटम्स बताए कितने हैं,
तो बहुत आसान है, मतलब इस चीज़ का सलूशन चाह रहे हैं ना कि आपको टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं इस पॉपुलेशन के अंदर। तो ये बताने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रूल क्या है मल्टीप्लाई करने का, कि दोनों के मेंटिसा आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, और दोनों के जो पावर हैं या एक्सपोनेंट्स हैं वो आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हम यूँ करेंगे, दोनों के देखे मेंटिसा मैंने आपस में मल्टीप्लाई किए हैं, और दोनों की जो पावर्स होंगी वो पावर आपस में क्या होंगी, ऐड होंगी। यही रूल पड़ा है ना, वी मल्टीप्लाई देयर मेंटिसा, उनके मेंटिसा को देखे मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिए, एंड ऐड देयर एक्सपोनेंट्स, यानी उनकी पावर या एक्सपोनेंट्स आपस में ऐड होंगे। तो इसकी पावर कितनी है, 9, प्लस इसकी पावर कितनी है, 27। तो आप लोगों ने ये काम किया है, दोनों के मेंटिसा को मल्टीप्लाई कर दिए और दोनों की पावर को आपस में ऐड कर दी है। वैसे आपको इसकी फिजिकल रीज़न भी समझ आ रही होगी कि हमने इन दोनों को ही क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि वो पूछ रहा है कि ये जो पॉपुलेशन ऑफ अर्थ है, ये टोटल नंबर ऑफ़ पीपल है ना, ये नंबर ऑफ़ पीपल लिखे हुए हैं ये दुनिया पूरी के ऊपर है, इनके अंदर नंबर ऑफ़ एटम बताने, एक बंदे के अंदर नंबर ऑफ़ एटम 7 × 10^27 है। तो पूछ रहा है इन सारे लोगों के अंदर नंबर ऑफ़ एटम कितने होंगे, तो जाहिर है कि ये एक बंदे के नंबर ऑफ़ एटम्स हैं, इनको अगर टोटल नंबर ऑफ़ पीपल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ़ पीपल्स के अंदर नंबर ऑफ़ क्या निकल आएंगे, एटम्स निकल आएंगे। तो ये इसलिए मैंने इसको इससे क्या किया, मल्टीप्लाई किया। ये बात समझ आ गई, मल्टीप्लाई क्या क्यों है। अगली बात तो ये है कि मल्टीप्लाई कैसे करना है, ठीक है ना, तो वो बात हम ऊपर वाला रूल यूज़ कर रहे हैं। ये एक अलहदा से सवाल है कि इसको इससे मल्टीप्लाई क्यों किया है। दोबारा सुन लें, ये लोग हैं पूरी दुनिया में कितने लोग हैं, और ये उन में से एक बंदे के अंदर नंबर ऑफ़ एटम्स लिखे हुए हैं। वो पूछ रहा है इतने लोगों के अंदर नंबर ऑफ़ एटम्स कितने होंगे, तो इस एक बंदे के नंबर ऑफ़ एटम्स को जब इस डिजिट से नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो जितने भी अर्थ के ऊपर लोग हैं सब के अंदर नंबर ऑफ़ एटम्स आ जाएंगे, इसलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई किया। एक बात, मल्टीप्लाई कैसे करना है वो तो ऊपर रूल लिखा हुआ है कि आप लोगों ने मेंटिसा को आपस में मल्टीप्लाई करना है, और पावर जो है उन्होंने ये एक्सपोनेंट्स ने आपस में ऐड हो जाना है। लिखें इसको मल्टीप्लाई करके, 7 × 7 = 49 × 10^10। इसको इसके अंदर ऐड करें तो आंसर 36 हो गया। देखिए क्या ये साइंटिफिक नोटेशन है, इसमें पावर ऑफ 10 है लेकिन ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। साइंटिफिक नोटेशन के लिए डेसिमल पॉइंट को यहाँ पर होना चाहिए, यानी 4 और 9 के दरमियान में होना चाहिए, ताकि डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे ओनली 1 नॉन जीरो डिजिट हो। तो इसका जो डेसिमल पॉइंट होगा अगर नहीं भी लगा हुआ तो 49 का मतलब क्या है, 49.0, यानी 49 का मतलब नंबर में 49.0 है। तो आप लोगों ने इस डेसिमल पॉइंट को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना है। तो आप लोग ज़रा खुद सोचो, इसको आप किस तरफ शिफ्ट कर रहे हो, नेगेटिव साइड पे शिफ्ट कर रहे हो, तो नेगेटिव साइड पे शिफ्ट करोगे तो 10 की पावर आपकी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। कितने डिजिट्स शिफ्ट कर रहे हैं, 1 डिजिट्स, तो ये क्या बनेगा, 4.9 × 10^36 हो गया। और आप लोगों ने कितने डिजिट शिफ्ट किए, 1 डिजिट, वो पावर 10 इस 1 इसके अंदर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि 10 की पावर है ना। तो 10 की पावर 1 इसके अंदर ऐड क्यों की है, क्योंकि नेगेटिव साइड पे आते हुए 10 की पावर हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो जब हम इसको यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं तो ये 4.9, आप लोगों ने 1 डिजिट शिफ्ट की है नेगेटिव साइड पे, तो 10 की पावर पॉजिटिव में इंक्रीज़ होगी। वो आप लोगों ने 10^+1 लिख दी है क्योंकि आप लोगों ने 1 डिजिट शिफ्ट की है। तो आपका आंसर 4.9 × 10^36+1 है। अब ये बात है कि आप लोगों ने इसको क्यों शिफ्ट की है, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि बाय रूल हम लोग इसको शिफ्ट करते हैं ताकि आपका जो डेसिमल पॉइंट है उसके लेफ्ट साइड पे जस्ट 1 नॉन जीरो डिजिट रह जाए। इसकी एक और रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये बेसिकली नंबर जो है किसको शो कर रहा है, मेंटिसा को शो कर रहा है, और मेंटिसा के लिए ज़रूरी है वो 10 से लेस हो, यानी मेंटिसा के लिए ज़रूरी होता है वो 10 से लेस हो। तो अगर हम इसको 49 लिख देते हैं तो 49 तो 10 से क्या हो रहा है, ग्रेटर हो रहा है, लेकिन मेंटिसा शुड बी लेस दैन 10। तो उसको लेस दैन 10 रखने के लिए आप लोगों ने ये डेसिमल पॉइंट वाली कंडीशन लगाई हुई है। तब आपको पॉइंट समझ आ गया, क्योंकि उसने जो शुरू में लिखा हुआ था कि मेंटिसा को लेस दैन 10 होना चाहिए, वो बेसिकली इन अदर वर्ड्स तभी वो लेस दैन 10 बनेगा जब आप डेसिमल पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे जस्ट 1 नॉन जीरो डिजिट रखेंगे। तो अब आप इसको अगर थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो 4.9 × 10^37 हो जाएगा। तो बेसिकली क्या लिखे हुए हैं, ये पूरी दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं
उन सब की बॉडीज़ के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम जो हैं 4.9 × 10⁻³⁷ एटम्स है। तो देखिए साइंटिफिक नोटेशन का कितना अच्छा एडवांटेज है कि हम लोग जो है वो इतनी बड़ी वैल्यू को कितना ईजिली रीड कर सकते हैं, ये टाइम कंज्यूमिंग ही नहीं है और इसमें किसी तरह को कोई एरर भी पॉसिबल नहीं होगा। आप सबका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।